हाई बीपी के पेशेंट हर घर में है कि आप जब तक उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है सॉरी आधे घंटे पहले लाते तो हम इन्हें बचा लेते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, 5 ऐसे अलार्मिंग कंडीशन कि जब आप इस क्रिटिकल पोजीशन में हो जाते हो कि आपको होम रेमेडी चाहिए बिफोर कि आप डॉक्टर तक पहुंचे, आप कुछ ऐसा उपचार क्या करें जिससे हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक बहुत अच्छे से पहुंचा सकें और उसको आगे का जो है प्रोसेस ट्रीटमेंट का दे सकें। हाई बीपी के पेशेंट हर घर में हैं, तो उनके रात के टाइम 12 बजे के बाद और 4 बजे के पहले जो है हार्ट पेशेंट का एक बार स्ट्रोक लेना बहुत ही कॉमन होता है डेली के रूटीन में, कि आप जब तक उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है सॉरी आधे घंटे पहले लाते तो हम इन्हें बचा लेते। तो वो टाइम स्पैम आपको कैसे बढ़ाना है ताकि हम मरीज को ट्रीटमेंट दे सकें। तो उस केस में आपको क्या करना है, ध्यान रखें ये जो हमारे फिंगर्स के सामने ये नाखून जो मैं पॉइंट कर रही हूं, इस पॉइंट को आप लोकेट करके ध्यान से देखें, ये हमारे बाइलेटरल है, मतलब दोनों ही हाथों की उंगलियों पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई पेशेंट बिल्कुल उसका जो है बीपी बहुत हाई चला गया है और आपको डॉक्टर तक जाने के पहले अगर उसको स्ट्रोक ना आ जाए, लाइफ उसकी खत्म होने से बचाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप कोई भी पिन ले लेंगे, पिन लेके आप उसको सिंपल किस जिस तरह से हमने पिन लिया, आप घर में सेफ्टी पिन ले सकते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा आपने डिटॉल या उसे स्टरलाइज कर लेंगे। स्टरलाइज करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे प्रिक करेंगे और प्रिक करके यहाँ से आप थोड़ा सा ब्लड जो है इस तरह से 5 to 10 ड्रॉप्स इस तरह से निकाल देंगे। ये ध्यान रखें ये बहुत ही इमरजेंसी केस है और ये करते ही आपके पास पेशेंट के लिए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे मिल जाएंगे कि आप उसको डॉक्टर तक सेफली पहुंचा सकते हैं और वहां उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है। दूसरा काम, अगर ये भी करने की हिम्मत आप में नहीं है, फ्रिज का ठंडा दूध 1 ग्लास उस पेशेंट को पिला दें। ठंडा दूध पिलाते ही आपके पास ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, आप 2 घंटे तक हॉस्पिटल के अंदर उनको लेके आप जा सकते हैं, ध्यान रखें। दूसरी हमारी अलार्मिंग कंडीशन जो होती है वो होती है एसिडिटी की। एसिडिटी समटाइम्स इतना हाई हो जाता है कि रात को सोना मुश्किल, सीने में जलन और भारीपन, उस केस में भी लगता है जैसे हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या करेंगे उस केस में कि हमने इस पॉइंट को, एसिडिटी की केस में आपने इस पॉइंट को लेना, पॉइंट लोकेट कैसे करेंगे, तो आपने इस तरह से अपने थंब के इस वाले पॉइंट को, फर्स्ट पोर को यहाँ से मेजर कर लेंगे, खोल के यहाँ से मेजर करके आपका जहां ये टच हो रहा है यहां से आपने इसको प्रेस करना शुरू किया, 20 to 30 टाइम्स इसको आप डीप प्रेस करेंगे, एसिडिटी बन रही है या फिर सरदर्द हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे, आपको उस समय वो रिलैक्स देना शुरू कर देगा क्योंकि जब जलन होती है आपके बर्ब्स निकलते नहीं है इसीलिए वो यहाँ पे अटैक कर रहा होता है जिससे पेन आना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको प्रेस करेंगे आपको रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज हमारे मोशन सिकनेस, या हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वॉमिटिंग आती है, या जनरल केस में भी अगर वॉमिटिंग आती है या नौजिया रहती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी, वॉमिटिंग आ नहीं रही है बट ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग आएगी, इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे, आप अपने ये रिस्ट के क्रीज ले लें, ये रिस्ट के क्रीज आपको दिख रहे हैं, इस क्रीज से, ये जो क्रीज हमारी बनी हुई है इस क्रीज से अपने ही फिंगर को रखना है, ध्यान रखना है अपने फिंगर के 2 फिंगर को रखना है। इसके बाद ये पॉइंट जहां पे आता है इसको आप लोकेट करेंगे और ध्यान से देखें यहाँ पे 2 आर्टरी आ रही होती है, आप जो फील करेंगे 2 आर्टरी के बीच में, ये यहाँ पे आपको इस पॉइंट को अब दबाना शुरू कर देना है। अगर आप इसको तेज दबाएंगे इमिडिएटली आपके वॉमिटिंग टेंडेंसी जो है वो वहीं स्टॉप हो जाएगी और ये आपके मोशन सिकनेस में भी काम करेगा, कहीं आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो वहां ये काम करेगा। अब मोशन सिकनेस को रोकने के लिए घरेलू उपाय क्या करें, पुराने जमाने में ध्यान है आपको 10 पैसे के और 5 पैसे के सिक्के मिलते थे, वो सिक्के अगर आपके पास हैं तो सिक्के को सिर्फ मुंह में रख लेना है, कुछ नहीं करना है, वो रख के या पान के पत्ते, ध्यान रखें मैं पान खाने की बात नहीं कर रही हूँ उसमें गुलकंद और वो सब मिलाने की, मैं सिर्फ कह रही हूँ पान के पत्ते, वो आप चबाते हुए चले जाएंगे आपका मोशन सिकनेस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी चीज जो आती है एलर्जिक अस्थमा की, मतलब एक ही आपको स्ट्रोक आया और आपके जो है बिल्कुल सांसें फूलनी शुरू हो गई, सांस नहीं आ रही है, हेवीनेस आ रही है, उस केस में आप क्या करेंगे अपने नाक को खोलने के लिए ताकि ब्रीदिंग आपकी एकाएक स्टार्ट हो जाए, आप अपने हाथ को लेंगे और इस तरह से नाक को सटाएंगे, नाक की टिप जो है हाथ के जिस पार्ट को टच कर रही है उसको दबाना शुरू करेंगे और ये बहुत पेनफुल होता है, ध्यान रखें आप अपने आप भी इसको दबा नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा पेन होता है। हमने पेशेंट को ऐसे किया, ये टिप जहाँ पे आया, और ये 90% पेशेंट को ये पेनफुल वैसे भी होता है, आप उठा लीजिए
अब ये यहाँ पे इनका टच हुआ था, ये जब हम दबाएंगे 90% पेशेंट को, वैसे भी क्योंकि हल्के हल्के एलर्जी की प्रॉब्लम इन दिनों महामारी के बाद लंग्स सबके वीक हुए हैं, तो सबके जो है ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। लास्ट में आपको बता रही हूँ इनसोमनिया के लिए, नींद नहीं आती है उस केस में आप क्या करेंगे। नींद नहीं आने के केस में हमने क्या करना है कि ये हमारा ईयर लोब है, ये पूरा सेक्शन जो है ये ईयर लोब का है। रात को आप क्रीम या तेल लेकर इस सेक्शन की इस तरह से हल्के हल्के हाथों की मसाज देंगे, ये हल्के हल्के हाथों की मसाज देंगे, इससे आपको नींद आनी अच्छी शुरू हो जाएगी। साथ में और क्या इंक्लूड करें, हमारा जो टॉप ऑफ द हेड है, बिल्कुल सर का ऊपरी सिरा, यहाँ पे आप टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने का मतलब हल्का हल्का आप इसको ठोकते जाएं, ये इसको वाइब्रेट करें। वाइब्रेट करने का मतलब आप यहाँ से जो है एनर्जी हमारे जा रही है नीचे, क्योंकि आपको पता ही है माउंटेन बना हुआ है, यहाँ से एनर्जी का फ्लो शुरू होता है, तो ये एनर्जी जो है पूरी जगह जाएगी और आपको बिल्कुल काम कर देगी, शांत कर देगी। तो ये 5 अलार्मिंग पॉइंट्स आपको हमेशा के लिए याद रखना है, पता नहीं आज आपने देखा भूल गए कल आपको जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए आप प्लीज इसे सेव कर लें, अच्छे से देख लें और समझ जाएं और अपना ट्रीटमेंट इमरजेंसी केस में जरूर कर लें। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस से संपर्क करें।